हेलो सुभान भाई, कैसे हो भाई? खैरियत हो? हाँ हाँ भाई, क्या बात है, सब ठीक ठाक? 29 जून को वो आ रही है माशाल्लाह बकरी। 20-25 हजार रुपए का तो बकरा आ रहा है माशाल्लाह, लेकिन 15-20 रुपए की खाल बिक रही है, ऐसा क्यों है? हाँ यार, ऐसे ही होता है, हम काफी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। 30-40 हजार रुपए का बकरा आ रही है नाश्ते के बाद, और खाल भी कह रही है 15 रुपए की। खुराक तो मैंने ले ली नाश्ते के बाद, एक खुराक तो मैंने ले ली तो दूसरी अब सुबह नाश्ते के बाद एक दोपहर। हाँ क्या कह रहा हूँ, आपका चमड़े का काम है? हाँ, मेरा जूते का चप्पल का काम। हम हर साल बकरा खरीदते 30-40 हजार रुपए का। अच्छा, और खाल बिकती है 15-20 रुपए की, ऐसा क्यों? इसका एक रीजन है, देखो जितना पूरे एक साल में बकरा कटता है, मिसाल के तौर पर 2 करोड़ बकरा कटा, इस त्योहार के ऊपर पूरे एक दिन में कट जाता है, क्योंकि चमड़े की खपत के ऊपर जो है ना, थोड़ा चमड़े की टेंडिंग महंगी हो गई है, तो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं। अब ये जो खरीदते हैं ना 15 रुपए की, ये आगे 2-4 रुपए महंगी बेचते होंगे, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते होंगे, फिर जो मेन ब्यूरोक्रेट्स हैं जिसके ऊपर इनका पूरा कब्जा है, उनके पास स्टोर हैं बड़े बड़े, तो वो स्टोर कर लेते हैं। तो अब एक खाल जो है, आज के दौर की बता रही हूँ, जब 100 रुपए की कीमत थी ना, तो चमड़ा था हमारा 2 रुपए 35 पैसे DM, और आज 15, जब खाल जाती थी खसाई लेता था 100 की 150 की कटाई में, आज खाल 15 रुपए की जाती है और चमड़े का रेट है आज 9 रुपए कुछ पैसे, 9 रुपए 20 पैसे। अच्छा, इसे जब 9 रुपए और 8 रुपए 20 पैसे क्वालिटी हो जाती है, तो 8.5 रुपए हम मान लेते हैं, क्योंकि 3 ग्रेड का होता है, 8.5 के अंदर से 10 से 15 DM तो रिटेल वाले का मार्जिन हो गया। अब जो रिटेल वाला लाया है, जो हम पे कमा रहे, उसका पीछे से जो वहां के टैनिंग वाले हैं 20 से 25 पैसे का उनका हो गया, तो हम 8 रुपए DM मान लें। तो 8 रुपए DM से मानने का मतलब है एक खाल बकरे की 900 रुपए प्रोसेस होकर हो रही है, और हम बेच कितने की रहे हैं, 15 रुपए की 20 रुपए की। तो होता क्या है, जो एक इसके अंदर अब इन्होंने 15 की बेची, उन्होंने 20 की बेची, 20 से 25 की गई, अब जो मेन ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने कहा भाई हम तो 40 रुपए की लेंगे, उन्होंने 10 रुपए और ऊपर स्टोर के खर्च कर दे। अब जब इन्होंने टैनिंग वालों को बेची, इन्होंने बेची 200 रुपए की। अगर एक साल में 2 करोड़ बकरा कटाई 29 आ रही है, तो कितना रुपया जमा हुआ ब्यूरोक्रेट्स के पास? कैलकुलेटर फेल है, मैं एक रबर वाली बता रही हूँ, 20 अरब रुपया। तो फायदा कौन पहुंचा रहा है? हम लोग। चाहिए हमें ये कि 15 रुपए बजाय खाल देने के किसी भी मदरसे वाले को इसको कट कर दे, डैमेज कर दे बिल्कुल, और मदरसे वालों को गरीब के घर में 100 या 50 रुपए की पर्ची पहुंचा दे, उसको दे दे 15 रुपए के अंदर। बताओ जिसके घर में 4 अदद हो, नाश्ता कर लेगा उस 15 रुपए? अच्छा, गरीब आदमी, कुर्बानी के 3 पार्ट्स हैं, ना तो खून गया, ना खाल गई, ना गोश गया। खाल गरीबों का आ गया, गरीब उसको पका के खाएगा, वो भी तो बेचेगा ही, 15 रुपए की 15 रुपए उसका नाश्ता हो जाएगा 4 आदमियों का। नहीं, बेहतर ये 100-150 रुपए, ये सारे पार्ट्स हैं कुर्बानी के। आपकी कुर्बानी आपकी सबसे पहले कुर्बानी है, आपने अपनी फाइनेंशियली कुर्बानी दी अल्लाह की राह में, उसके अंदर कसाई का भी हिस्सा आ गया, और जो सफाई कर्मचारी है उसको जो दे रहा हो उसका भी हिस्सा आ गया, जो 15-20 रुपए कर्मचारी पे खर्च कर रहा हो सफाई पे, वो भी तो ये इसकी गलाजत ले आ रही उठा के। फिर आप जो मजीद उसको दे रहा हो 15 की जगह आप 100-150 गरीब को दे रहा हो, ये भी तो उसके घर में गया नहीं गया। तो सबसे बेहतर यही, इसको डैमेज करिए, खाल को टुकड़े टुकड़े करिए और इसको डैमेज कर दीजिए, मत दीजिए किसी के घर में 100-150 रुपए दीजिए, वो ज्यादा, क्योंकि कुर्बानी का मतलब है कुर्बानी देना। आप पैसे की कुर्बानी दे रहा हो तो अल्लाह ताला उस सारे इंक्लूड हो गए, आपके पार्ट्स हो गया कुर्बानी का, तरीका तो यही है। तो हम खुद पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल गलत है मदरसे वालों को पैसे दे। इस मरतबा कई साल हो गए समझाते, मानते ही नहीं है, क्या करें लोग, लोग समझते बड़ा सवाब का काम है। अब गरीब आदमी को खाल दे रहा हो मदरसे वाले, वो उसका खाना पकाएंगे, वो भी तो बेचेंगे, तो उसको डैमेज करिए। जब किसी चीज पे क्राइसिस पैदा हो जाएगा उसका रेट जाएगा। ब्यूरोक्रेट्स तो बैठे हैं, उनके पास बड़े बड़े स्टोर है, वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटरों को भी लॉस हो जाता है, उन्होंने पता चला खरीद, उन्होंने 15 की खाल 25 में खरीद ली, तो जो ब्यूरोक्रेट से होता है वो तो कहता हम 20 की खरीदेंगे, वो भी लॉस उठा लेते हैं, 20 की बेचनी पड़ जाती है उन्हें। फायदा किसको पहुंचा रहे हैं? ब्यूरोक्रेट्स को। तो हमें क्राइसिस पैदा करना है। मेरी सबसे, मैं यही कहता आ रही हूँ यार, गरीबों को ये खाल कर डैमेज कर, क्योंकि मेरा काम है, मुझे पता है इसके अंदर कितना मार्जिन है। बस इतनी सी बात है, लोगों की समझ में ही नहीं आता, पता नहीं क्या है।